नमस्कार दोस्तों, सभी छात्रों के लिए, चाहे दोस्तों स्कूल के छात्र हो या 10वीं 12वीं बोर्ड या कॉलेज, जितने भी दोस्तों आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको छात्रवृत्ति मिलता है तो इस वीडियो का आप लोग जरूर देखें दोस्तों, अन्यथा आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, नहीं मिलने का कारण बन सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो की जरूर देखें। यहाँ पर कार्यालय आयुक्त आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास के द्वारा यहाँ पर दोस्तों एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें रायपुर नवर 4/8/2021 को, जिसमें प्रति आयुक्त जनसंपर्क 36 रायपुर, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, जिसमें कॉलेज स्तर है, तो 21-22 से ऑनलाइन जो है ऑनलाइन के माध्यम से आए जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता संबंधी प्रेस विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के संबंध में है। तो दोस्तों यह वीडियो को जरूर देखा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको छात्रवृत्ति मिलता है तो दोस्तों अगर आप यह काम नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों, आपको छात्रवृत्ति के ही संबंध में है, अन्यथा आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर तो उपयुक्त विषय के अंतर्गत लेकर छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय अशासकीय कक्षा 11वीं 12वीं ITI महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज में अध्ययन सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को जो 2021-22 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, आपको दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट एंड आपको दोस्तों रेसिडेंस प्रमाण पत्र, यहाँ पर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जो लोक सेवा आयोग यानी लोक सेवा केंद्र के माध्यम से बना हुआ है, उसको अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाना है। तो दोस्तों अगर आप लोगों का स्थायी जाति निवास आय अगर ऑफलाइन बना हुआ है तो वह दोस्तों अब अगर आपको छात्रवृत्ति लेना है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो यह आपके लिए वैलिड नहीं माना जाएगा दोस्तों। इसको आपको नया से ऑनलाइन के माध्यम से, लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आपको नया बनवाना पड़ेगा। जो ऑफलाइन बना हुआ है, पहले जो दोस्तों बन रहा था, वो अब नहीं चलेगा अगर आप छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं तो। तो दोस्तों अगर आप छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं तो उसको आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, नया बनवाना पड़ेगा। जैसे अगर आपका स्थाई ऑनलाइन वाला है तो चल जाए, लेकिन निवास जो है उसको भी ऑनलाइन वाला बनवाना पड़ेगा। आप दोस्तों कोई भी जो है ऑफलाइन बना हुआ रहेगा उसको आपको रिन्यूअल करा के नया बनाना पड़ेगा, लोक सेवा केंद्र के माध्यम से, CSC के माध्यम से। तो यहाँ पर सभी समस्त विद्यार्थियों को आय जाति निवास प्रमाण पत्र को लोक सेवा आयोग के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन या अपडेट कराया जाना आवश्यक है। मतलब दोस्तों ऑनलाइन पंजीयन फिर से कराना होगा या जो ऑफलाइन बना हो उसको अपडेट कराना होगा। इसके लिए आपको CSC या कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर में जाके इस बात को आपको कहना होगा कि मुझे अपना जो ऑफलाइन बना हुआ है स्थायी जाति निवास उसको मुझे अपडेट करवाना है कि ऑनलाइन पंजीयन करवाना है नए। तो दोस्तों इसको आपको करवाना होगा, अन्यथा आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ चुके हैं तो आपको नहीं लेगा। केवल जो पढ़ाई कर रहा है, जिनको छात्रवृत्ति ले रहे हैं, केवल उसी को यह करना है। तो इस संबंध में जो है सभी विद्यार्थियों को सूचना प्राप्त हो सके, इस हेतु राज्य स्तर एवं जिला स्तरीय बहु प्रसारित दो समाचार पत्र जिनके ग्रामीण अंचलों तक में लगातार 3 दिवस तक प्रसारित करने का कष्ट करें। इस प्रकार दोस्तों यह जानकारी है। अगर आप लोग ऑफलाइन बना हुआ है तो आपको नहीं चलेगा दोस्तों, आपको लोक सेवा के केंद्र के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। यहाँ पर दोस्तों एक और जो नोटिस है यहाँ पर यह है दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है वर्ष 2021 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 10वीं से उच्चतर हेतु ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र तैयार करने हेतु प्रेस विज्ञप्ति जो है जारी किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली के नए गाइडलाइंस के अनुसार छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को समस्त प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन छात्रवृत्ति पोर्टल पर डिजिटल के माध्यम से सत्यापन किया जाना है। इसके साथ जो छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय अशासकीय कक्षा 11वीं 12वीं महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, ITI आदि में अध्ययन सभी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 21-22 से ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 10वीं से उच्चतर, अगर आप कक्षा 10वीं से अधिक में पढ़ रहे हैं, उच्च स्तर में पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों मैं उच्चतर में आवेदन करने के लोक सेवा केंद्र द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, मतलब स्थायी जाति, उसके पश्चात निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य बनवाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों यह डिक्लेयर हो गया है कि अगर आपको स्कॉलरशिप लेना है तो ऑनलाइन लोक सेवा केंद्र के माध्यम से बना हुआ ही आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य दोस्तों आपको बनवाना अनिवार्य कर दिया, जो इस ई डिस्ट्रिक्ट डॉट सी जी
state.go.in के माध्यम से वेबसाइट पर उपलब्ध, वहाँ पर मान्य विद्यार्थी के आधार कार्ड में कोई त्रुटि जैसे नाम जन्म तिथि को सुधार हो तो अवश्य करवाना। साथ ही विद्यार्थी और पोर्टल पर प्रदान किए गए बैंक खाते के सीडिंग भी आधार नंबर से करना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अभी की स्थिति में यह सभी तक जानकारी पहुंचना जरूरी है। अब दोस्तों पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल प्रारंभ होने से पूर्व लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आय प्रमाण पत्र, जाति, निवास जो है ऑनलाइन प्राप्त करना ही, जिन विद्यार्थियों को पूर्व में ऑफलाइन प्रमाण पत्र तैयार है ऑनलाइन अपडेट करवाना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों अपना जो आय जाति निवास है ये अगर ऑफलाइन बना हुआ है, पहले दोस्तों तहसील ऑफिस के माध्यम से बनता था, तो उसको दोस्तों उस प्रकार से बना हो तो उसको आप ऑनलाइन अपडेट करवाना है, ऑनलाइन वाला बनवाना है आपको स्थायी जाति निवास, जिसमें दोस्तों रेफरेंस नंबर सीरियल नंबर दिया रहता है, केवल वही चलेगा। बाकी दोस्तों अगर आप केवल छात्रवृत्ति के लिए कर रहे हैं तो ही, अन्यथा दोस्तों आपको नया बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो को शेयर करें, और यह तो PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सीधे आप जो है डाउनलोड कर पाएंगे, तो इस वीडियो को शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस प्रकार से जानकारी के लिए।